आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों इस नई प्रस्तुति में। यह प्रस्तुति उस मंदिर से है जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित नहीं भौचक्का या अचंभित रह जाएंगे कि इस मंदिर में लाखों की लाख ये चिट्ठियां और घंटियां क्यों हैं, और आप इन चिट्ठियों इन घंटियों को देखकर ही यह अनुमान लगा सकते हैं कि भक्तों की कितनी आस्था है कि लोग अपनी अर्जियां अपने फरियाद अपनी गुहार चिट्ठियों में लिखकर अपने हुए अन्याय को गोलू देवता के पास लाते हैं। यही सब सोचते सोचते मैं आगे बढ़ता रहता हूं और शाम ढलती रहती है। कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक करें। तो अभी हम चिरे गोल देवता जा रहे हैं। बस यहाँ से थोड़ा सा 500 मीटर दूर है चिरे गोल देवता, आपको जल्दी दर्शन कराएंगे। सबसे करो ना पाचों के साथ तुम कमेंट्री करो अपना कार्ड रेस ला तब से पाल लीजिए खाओ तुम लोग। साथियों इस प्रस्तुति की शुरुआत गोलू देवता के कथा से करते हैं दर्शन के पूर्व ही, ताकि आप यह समझ सके कि गोलू देवता जी की कथा क्या है, आखिर गोलू देवता को गौड़ भैरव क्यों कहते हैं, आखिर गोलू देवता जिनके साथ खुद अन्याय हुआ वह कैसे बन गए न्याय के देवता गोलू देवता, और साथ में यह भी जानेंगे कि उन्हें गोलू क्यों कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो गोलू देवता की कहानी जाके जुड़ती है कत्यूरी राजवंश के एक राजा झालू राय से, जो अयोध्या से चंपावत जिले में आकर अपना राज्य स्थापित किया था। उनकी 7 रानियां थी, मगर राजा फिर भी दुखी रहते थे क्योंकि इन्हें 7 रानियों से कोई भी पुत्र नहीं था। तो उस पुत्र मतलब संतान प्राप्ति के लिए झालू राय मतलब भैरव जी का काफी तपस्या करते हैं, काफी पूजा अर्चना करते हैं। भैरव देव प्रसन्न होते हैं और भैरव देव बोलते हैं कि आप 8वीं शादी करें, उनके संतान के रूप में मैं जन्म लूंगा। तो ठीक है, इसी तरह राजा एक दिन शिकार खेलने निकलते हैं तो एक नारी को देखते हैं और वहां पे एक तालाब रहता है, वो तालाब का पानी पीने जैसे ही जाते हैं वह नारी उनको चिल्ला के रोक देती है कि आप इस तालाब का पानी नहीं पी सकते, यह मेरा तालाब है। तो राजा बोलते हैं पहचानती हो मुझे, बोलती है नहीं। तो बताते हैं कि मैं यहाँ का राजा हूं। तो नारी बोलती है कि मैं कैसे मानूं कि आप यहाँ के राजा हैं। तो बोलते हैं उसके लिए मैं क्या करूं। तो बोलती है कि वहां पे 2 सांड लड़ रहे हैं, यदि आप उनको छुड़ा देते हैं तो मैं मान लूंगी कि आप ही झालू राय है। तो झालू राय फिर उन सांडों को छुड़ाने जाते हैं, मगर वो उन सांडों को लड़ाई से अलग नहीं कर पाते हैं। फिर वो महिला जाती हैं, जो सुंदर स्त्री रहती हैं, वो सांडों को अलग कर देती हैं। राजा प्रसन्न होते हैं, उनसे उनका नाम पूछते हैं तो वो नाम बताती हैं कि मेरा नाम कलिंगा है। तो कलिंगा से वो शादी का प्रस्ताव रखते हैं। इस तरह प्रस्ताव वो बोलती हैं कि मेरे भाइयों पंचभूत से पूछना पड़ेगा आपको। वो पंचभूत से पूछते हैं, उन्हें पता रहता है कि भैरव वाली पूरी कहानी की, भैरव देव ने इन्हें क्या आशीर्वाद दिया है। फिर उनका शादी हो जाता है कलिंगा से और वह कालांतर में गर्भवती होती हैं। मगर जिस दिन कलिंगा के गर्भ से पुत्र पैदा होता है उस दिन झालू राय युद्ध करने किसी दूसरे देश की तरफ गए होते हैं। तो 7 रानियों में जलन बस उन्होंने क्या किया
कि उनके पुत्र को एक सफेद कपड़े में बांध के अलग कर दिया और वहां पे ही सील बट्टे जिसमें चटनी उटनी पीसते हैं उसको सफेद कपड़े में लपेट के रानी के पास रख दिया और यह पूरा नगर में सूचना फैला दी कि रानी को सील बट्टा हुआ है। कहानी बढ़ी, फिर उस पुत्र को उन्होंने काफी मारने की कोशिश की, बिच्छुओं के समूह में रखा, सांप के झुंड में रखा, मगर वहां कुछ हो ही नहीं रहा था, तो उनको लग रहा था कि इसे हम नहीं मार पाएंगे, तो वो उसे एक बक्से में डालकर, काली नदी यहाँ पे बहती है, उस नदी में डाल देते हैं। नदी में एक मछुआरा रहता है, मछुआरा उस बक्से को देखता है, खोलता है, एक पुत्र वहां पे मतलब एक बालक रहता है, उस बालक को वो पालता है क्योंकि उसके मुंह में से कर्ण वाली कहानी थोड़ी सी है पुत्र के रिस्पेक्टिव, तो वो पालता है। बट जब वो थोड़ा सा युवा होता है तो उसे सारी बातें याद आती हैं, और जब यह बात याद आती है तो वह जाता है अपने पापा से, पूछता, पापा मुझे घोड़ा दीजिए, मुझे राजा के पास जाना है, ये सारी बातें। बोलता, बेटा मैं तो मछुआरा हूँ, घोड़ा दे नहीं, मतलब घोड़ा खरीद नहीं सकता, रख नहीं सकता। तो उसके पास एक काठ का घोड़ा रहता है, उस काठ घोड़े से को वो मतलब जब गोलू देवता उसे छूते हैं तो वो असली घोड़ा बन जाता है उस घोड़े से, फिर राजा के पास आता है। जब राजा के पास आ रहा होता है तो वह देखता है कि सातो रानियां जो हैं वो एक तालाब के किनारे मतलब आराम कर रही हैं। तो एक तरह से वो मजा चखाने के लिए बोलो, या उन्हें याद दिलाने के लिए कि उन्होंने क्या गलत किया था, वो उनके पास जाते हैं और उस घोड़े को फिर से काठ का घोड़ा बना देते हैं और काठ के घोड़े को बोलते हैं पानी पी। तो रानी देखती है ये कौन सी मूर्खता की बात या बालक कर रहा है, उस पर हंसी और ठिठोली करती हैं। तो वह बालक बोलता है कि अगर एक स्त्री के गर्भ से सील बट्टा जन्म ले सकता है तो ये घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता है। और बात वाकई में वो घोड़ा पानी पी लेता है। रानी को, सातो रानियों को बहुत बुरा लगता है कि ये बालक सातो रानियों पे, इस राज की सातो रानियों को मजाक उड़ा रहा है, ठिठोली कर रहा है। तो राजा के पास ले जाते हैं, राजा के पास जब ये जाता है तो पूरी कहानी बताता है। तो इस तरह से फिर वहां का वो मतलब राजा मतलब पुत्र को प्राप्त करके बहुत खुश होते हैं और जो सातो रानियां रहती हैं उनको जेल बंद कर देते हैं, मगर कलिंगा और गोलू देवता जो रहते हैं उन्हें मतलब माफ करने की गुहार लगाते हैं झालू राय से और वो उन्हें माफ कर देते हैं। तो इसके बाद अब कहानी मुड़ती है कि कुमायूं में बहुत जगह गोलू देवता का मंदिर है, चंपावत में है, ये चित्तई जगह है, इससे पहले आपको डाना गोलू दिखाई, वो उनके मामा हैं और ये गौर भैरव कहलाते हैं। गौर भैरव मतलब भैरव हम जानते हैं शंकर जी का एक अवतार है, एक रूप है, मगर वो हमेशा ही भयंकर काले पूरा रूप में रहते हैं, मगर ये गोरे भैरव हैं, मतलब इनका पूरा वर्ण जो है वह सफ़ेद है, गोरा है, इसलिए इसे इन्हें गौर भैरव कहते हैं। और गोलू देवता इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी माँ बचपन में इन्हें गोलू गोलू करके बुलाती थी, इनका नाम ही पड़ गया गोलू देवता और ये न्याय के देवता बने। उसके बाद इन्होंने कई न्याय किए और न्याय के चलते काफी लोकप्रिय हुए और लोगों ने इन्हें न्याय का देवता, गोलू देवता पूरे क्षेत्र में पूजना शुरू किया और इस तरह से ये न्याय के देवता बन गए। अब न्याय के देवता बन गए तो लोग अब यहाँ पे अपनी घंटियां टांगते हैं, आप हजारों के हजारों ये लेटर दिख सकते हैं, इसमें लिखी हुई है अपने दुखों के, अपनी शिकायतों को कि हे गोलू देवता मेरी अर्चना सुनो और हम मुझे न्याय दें। आप यहाँ देख सकते हैं हजारों के हजार, लाखों के लाख पत्र मतलब हैं, जमीनी कागजात हैं, स्टैम्प पेपर हैं, सब यहाँ पे टांग के जाते हैं और उनसे अपना गुहार लगाते हैं कि हे गोलू देवता मुझे न्याय दें। फिर ये पत्र जो रहता है जब आप चढ़ाते हैं तो ये पत्र देखते हैं तो पंडित जो होते हैं यहाँ के जो पुरोहित हैं वो गोलू देवता के सामने वो पत्र पढ़ते हैं और गोलू देवता उस गुहार को देखकर न्याय करते हैं। जय गोलू देवता।
परिसर में चारों तरफ ही बहुत बड़े बड़े घंटे हैं। ये बहुत बड़ा ही घंटा है। अब यहां चलते हैं दोस्तों। जय हो गोलू देवता, जय हो गोलू देवता, जय गौर भैरवाय नमः। इतने बड़े बड़े हजारों घंटे हैं यहाँ पे। जय हो हर हर महादेव, ओम भैरवाय नमः। जय हो चित्तई गोलू देवता, श्री गोलू देवता नमः। तो दोस्तों, हम चित्तई गोलू देवता के पास जा रहे थे तो हमारे ये पांच छात्रों ने हमसे लिफ्ट मांगा। फिर इनसे, ये चित्तई के ही रहने वाले थे, उन्होंने बताया कि रास्ते में पड़ता है दाना गोलू, जो चित्तई जो गोलू देवता है उनके मामा हैं। ये चारों को लेट इसने ही कराया, क्योंकि ये कहानी इसने बताया और मेरे मन में डाला कि वो वाला दर्शन करना संपूर्ण तभी होगा जब इनका दर्शन होगा। तो रास्ते में दिख गए, हम बोले चलो तो चलो। गोलू देवता वैसे न्याय के देवता हैं, तो चुनरी और घंटियां मतलब उनके दरबार में बहुत सारे होते हैं। यहां पे जो बीच में है वो दाना गोलू हैं, और जो एक आप घोड़े पे देख रहे हैं सफेद गौरवर्ण में, गौरवर्ण का घोड़ा भी है और गोलू देवता भी हैं, वो हैं। तो जय हो गोलू देवता, दाना गोलू। यहाँ पे धुनी है, बहुत सारे त्रिशूल हैं, घंटियां बहुत पुरानी पुरानी, और पूरी चुनरी चुनरी के साथ घंटियां हैं, क्योंकि मतलब इनको जो चढ़ता है वो घंटियां और चिट्ठियां चढ़ती हैं। श्री गौर भैरवाय नमः, जय डाना गोलू देव। नमः शिवाय, नमः शिवाय। चलो लो पकड़ो, लोगे आप? कर लेता हूँ, हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। आपकी भी पाकिस्तानी मूवी जी, तो भैया के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक करें। और मेरे चैनल का नाम है डंकी मंकी ट्रैवलर। अच्छा, 5 सब्सक्राइबर आपके अभी यहीं से बढ़ गए। दीपांशु कुछ बोलना चाहेंगे आप? ना कुछ नहीं बोलूंगा, आप बोलो। So don't ask for the subscription who doesn't like your niece मतलब उस कैटेगरी का वो वीडियो देखता ही नहीं है। मान लो कि मैं धार्मिक वीडियो बनाता हूँ, किसी को ट्रिप वाली वीडियो पसंद है, जैसे मान लो लद्दाख का या ट्रिप जो करते हैं उस हिसाब से रोड वगैरह ज्यादा जानकारी, या मान लो अभ्यारण वाला, तो वो नहीं देखेगा ना, उसे गोलू देवता में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो कहने का मतलब कि वैसे ही चैनल मतलब सब्सक्राइब किया करो। चिते में प्रस्थान हो चुका है और बस थोड़ी सी दूर अब चिते गोल देवता मंदिर है आपको दर्शन कराने के लिए। उम्मीद है दोस्तों आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी है तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि वह इसलिए जरूरी है कि अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी है तो आने वाली प्रस्तुति भी अच्छी लगेगी, तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी जैसे ही मैं अगली प्रस्तुति YouTube पे अपलोड करूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गोलू देवता।